बहुत सारे सवाल हैं। मैं ही क्यों, मैं यहां पर क्यों हूं और मैं मरा क्यों नहीं? ओए, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, कल रात को वो आदमी कौन था? मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। आदमी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। पूरी तरह से बंद कर दे। मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं, और शिल्पा, हां मैं ये मानता हूं कि वो मुझे पसंद है, लेकिन उसे मुझे मार देना चाहिए था, तो फिर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? हे, हम यहां पर क्यों आए हैं? मुझे पानी दो। ये तुमने क्यों किया? तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी है। देखो, जो लड़ने को आया है। मेरा वो इरादा नहीं है, वो चाहती है कि मैं उसका साथ दूं। शिल्पा कहाँ गई? वो मुझे फाइटिंग में ट्रेन करना चाहती है। अभी तो गर्मी दिखा रहा था, अब डर क्यों रहा है फिर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आना, मेरा वो इरादा नहीं था। दिखाता हूं फाइट क्या होता है। लड़ना है तेरे को। देखो, मुझे जाने दो। लड़ना है। ए, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये लड़ना चाहता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, लड़ना चाहता है। इतना समय रुकने का डिस्काउंट। ये तो बाद में देख लेंगे। मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी मुसीबत है। शायद इसलिए इस वक्त मैं यहां पर हूं। शिल्पा की दुनिया में आपका स्वागत है। कुछ तो कनेक्शन है। तुम श्योर हो? और इतना ब्लड क्यों कलेक्ट कर रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें रीचेक करना चाहिए। दिखने में तो okay. बहुत अच्छा है। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर। यस सर। जब तुम क्राइम सीन पर थे, तब सामने वाली बिल्डिंग के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि रात में कुछ लोगों को लड़ते हुए देखा, मगर ढंग से दिखाई नहीं दिया। देखो, पिछले महीने वहां से एक आदमी गायब हुआ था। जी सर। और पिछले हफ्ते भी उस बिल्डिंग में एक फाइट हुई थी। ऑफिसर। यस सर। अच्छा, तुमने पता लगाया इन स्क्वायर्स का क्या मतलब है? मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं ये नए हैं। इसकी वजह क्या हो सकती है? क्रिमिनल का वेपन। सही कहा सर। ओके, एक काम करो, इस ब्लड स्पैटर को इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, मैं इसकी जांच करता हूं। और हाँ, तुम मेरे साथ आओ, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। ठीक है, हो सकता है हमें कुछ नया मिल जाए।
पुलिस एविडेंस को कब लेके जाएंगे? अभी तक उन्हें कुछ मिला कि नहीं? भाई क्यों कर रहा है? टिंग। सुनो, क्या ये सारे एविडेंसेस हैं? हे, अच्छा किया। मेरे पास बहुत सारा नाश्ता है, खाना चाहोगे? ठीक है, चलो मेरे साथ। तुझे मैं चोर दिख रहा हूँ? कुछ हुआ क्या सर? हाँ, वैसे कुछ खास नहीं है। तुम बताओ क्या हुआ? वो कल मैं पुरानी बिल्डिंग में गया था, सारे सीसीटीवी रिकॉर्ड्स और स्टाफ कार्ड सभी रिकॉर्ड्स गायब है सर। कुछ ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए हैं। ठीक है, उसे बाद में रिकवर कर सकते हैं। वैसे आज के लिए इतना काफी होगा। जी सर। ए, सुनो, तुमने अभी तक केस के सारे एविडेंस नहीं दिए हैं। ये यहाँ पर नहीं है तो इसे इस केस के बारे में उतना नहीं मालूम है। अच्छा, तुम भी यहाँ पर काम करते हो क्या? ये तो अच्छी बात है। क्या तुम किसी क्रिमिनल का स्केच बना सकते हो? जी बिल्कुल। ठीक है, तो ये बाद में करते हैं। कैसे पता? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, मैं यहीं पर हूँ। हम कहीं जा रहे हैं क्या? अगर मैं तुम्हारी जान नहीं बचाती तो तुम मर जाते। तुम इसे बचाना कहती हो? तुमने मुझे उनके सामने फेंक दिया था। लेकिन मैंने मदद भी तो की, और अब मदद की बारी तुम्हारी है। मैंने सुना है तुम अच्छा स्केच बनाते हो। उतना भी अच्छा नहीं। उसने मेरी काबिलियत का इस्तेमाल किया उस वैम्पायर को ढूंढने के लिए। जहां तक मुझे याद है उसके बाल लंबे नहीं थे। उसने मुझे जो बताया था और वो उन वैम्पायर्स के बारे में था जिन्हें मारकर वैम्पायर ढूंढ लिया था। मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन उसके बाल छोटे थे। वो मुझे सुराग देती, जैसे कि चेहरा, लेटर्स, साइंस या फिर जगह। मेरा ये काम था कि मैं उन्हें पेपर पर तस्वीर के तौर पर उतारूं। उसके बाद हम उन्हें पहेली की तरह सुलझाते और लोकेशन ढूंढने की पूरी कोशिश करते। ये बनने जब उसे जगह मिल जाती तो शिल्पा को पता था कि किससे मिलना है। ये सब कुछ शिल्पा इसलिए कर रही थी ताकि वो अपनी बहन को ढूंढ सके। मिस्टर अमन, तुम्हें आजकल क्या हुआ है? जब से तुम यहाँ आए हो खोई खोई से रहते हो। काम में भी मन नहीं लगता तुम्हारा। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जवाब क्यों नहीं देते? और ये क्या कर रहे हो तुम? कुछ खास नहीं, कुछ नहीं है। अरे तुम ये ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो? शायद तुम्हें कंपनी का मकसद नहीं पता। अब मैं जो बताता हूँ। लावण्या! नहीं। ए, तुमने मारा? जिसने भी किया उसे छोड़ूंगा नहीं। सब लोग अपना अपना काम करो।
तुम भी अपना काम करो। पता नहीं किसने मारा, देखता हूं मैं अभी। शूट करो। अगर असली वैम्पायर होता तो तुम शूट करते? हाँ करता। अगर ये सच होता तो तुम मर गए होते। रुको 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 रुको, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हारे जैसा वैम्पायर धूप में जिंदा कैसे? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिल्मों में ऐसा नहीं होता। तुम्हें और फोकस की जरूरत है। और कोई सवाल? हाँ, क्या तुम रोज खून पीती हो? हफ्ते में एक बार। तुम्हें वो कहाँ से मिलता है? हॉस्पिटल से चुराती हूँ। ओह, तो मतलब तुम वैम्पायर ही नहीं, चोर भी हो। तुम रात में सोती हो क्या? हाँ। तुम्हारा बेडरूम ड्रैकुला के ताबूत की तरह है? हाँ मॉम। बेटा, तू फिर से कॉल करना भूल गया? अरे वो काम में बिजी था इसलिए कॉल करना भूल गया। कुछ और नए केस आए हैं मेरे पास। अच्छा अच्छा, बहुत काम कर लिया बेटा, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। मॉम, उम्र के साथ साथ आपकी बातें भी बढ़ती जा रही हैं। चलिए बाद में कॉल करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो सर, बॉस ने मुझे आपके साथ काम करने के लिए असाइन किया है। हाँ? बिल्कुल नहीं, मुझे अकेला ही काम करना पसंद है। किसी की भी दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं आती है। लेकिन बॉस ने मुझे आपसे काम सीखने को कहा है, और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। रुको, मैं उन्हें कॉल करके पूछता हूँ। उसकी जरूरत नहीं। लीजिए, ये रहे मेरे ट्रांसफर के सारे रिपोर्ट्स। बॉस ने मुझसे कहा है कि मैं सारे काम आपसे वक्त पे और अच्छे से करना सीखूं। मैं सबसे अच्छी और सबसे होनहार पुलिस वाली बनना चाहती हूं। क्या बकवास है, ये कार्टून शो चल रहा है क्या? मुझे मालूम है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपना काम अच्छे से और पूरी सिंसियरिटी के साथ करके दिखाऊंगी। तुमसे एक बात कहूं, मैं बहुत बकवास करती हो। मुझे चेहरा और आंखें याद नहीं है, लेकिन बाल का शेप याद है। उसके दाएं हाथ में एक निशान था और क्या कर रहा है तू? तेरा ये डिटेक्टिव की तरह पजल सॉल्व करने का खेल खत्म नहीं हुआ क्या? मैं खेल नहीं रहा हूं, समझा? तू ये कभी समझ ही नहीं पाएगा, मैं कुछ बड़ी खोज करने वाला हूं। तो तू यहां बैठ के कोई बड़ी खोज करने वाला है? वाह, ओहो, ओह। ए, चुप कर। तुझे मालूम नहीं है क्या, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं, समझा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई आदमी गैराज में काम करता हो और बाद में कंपनी खोल ले। हाँ सही कहा, मुझे पता है। और एक और आदमी है जिसने हार्वर्ड में बहुत बड़ी खोज की थी। हाँ, वो भी पता है मुझे। हाँ, तो अब बिल्कुल मैं भी उसी तरह से। बस कर। तो जो कुछ भी बना रहा है ठीक है, लेकिन आखिर में पुलिस खुद ही बनवा लेगी।
मुझे पता है तू डिटेक्टिव बनना चाहता है, लेकिन तू खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर यार। मुझे तेरा कुछ भी समझ नहीं आता, क्या फालतू काम करता है तू। अरे क्या हुआ, जा कहां रहा है? अरे कमाल है, मेरी बात का तो कोई भाव ही नहीं दिया इसने। ये लो देखो, हाथ पे निशान है, ये बच्ची नेहा की हो सकती है। मुझे यकीन तो नहीं है पर लगता है ये उसी की है। हाँ ये नेहा है जिसे मैं फेसबुक से जानता हूँ। इसका मतलब ये औरत वैम्पायर है, मुझे इसे मारना होगा। नेहा एक वैम्पायर है? मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा। लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं है, वो सिर्फ वैम्पायर ही नहीं बल्कि वो एक माँ और अच्छी स्टाफ की मेंबर भी है। मुझे ये आज रात ही करना होगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। हाँ माना कि वो वैम्पायर है पर वो किसी का खून नहीं कर सकती, उसकी एक प्यारी सी बच्ची है। क्या प्यारी सी? वो अपनी बच्ची को अकेले पाल रही है और वो एक अच्छी स्टाफ मेंबर है तो उस पर शक क्यों कर रही है? एक माँ अपने बच्चे को पालती ही है और वो भी ऐसा ही कर रही है, और सवाल रहा अच्छे स्टाफ मेंबर का, तो सारे स्टाफ मेंबर को अच्छा ही बनना पड़ता है। जब से मैं इस ऑफिस में आया हूँ मैंने देखा है उसको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। क्या उसे जान से मारना जरूरी है? तुम उससे खून भी तो मांग सकती हो ना। खून वैम्पायर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैं ऐसे मांग नहीं सकती। और अगर तुम गलत हुई तो, मतलब तुमने गलत इंसान को मार दिया तो? ये मेरी प्रॉब्लम है। तुम बस इतना करो कि उसके बारे में और डेटा इकट्ठा करो, समझ गए? ठीक है, मैं इस बात का प्रूफ देकर आऊंगा कि वो एक अच्छे इंसान है। मुझे आज रात ही चाहिए। हाय मिस्टर धनराज, इस देश के सीसी कॉर्पोरेशन हेड ऑफ हॉस्पिटल नेटवर्क। मुझे ये भी पता था कि आप नया रिसर्च कर रहे हैं और आप इन रिसर्च को बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से करते हैं, और अगले साल आप जो दर्शाने वाले हैं पेशेंट्स के लिए वो बहुत सहायक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हम फिलहाल इस चीज पे पूरी रिसर्च कर रहे हैं। तुमने कहा बस क्या चेक, फिलहाल मैं इतना ही बता सकता हूं। अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो मुझे लगता है कि इससे तभी हम अच्छे से क्रिमिनल को पकड़ पाए, ज्यादा फायदा होने वाला है। ओह वाओ मिस्टर धनराज, मैं जल्दी ही इसकी कामयाबी को देखना चाहूंगी। मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। ओके, जैसा कि आप सभी ने देखा मिस्टर धनराज अपनी रिसर्च को लेकर काफी उत्साहित हैं, और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी, ये पब्लिक हॉस्पिटल के ओनर हैं जो थाईलैंड का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। आखिर में मिस्टर धनराज को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे अपना इंटरव्यू करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मैं पहुंचता हूं। मुझे जाना होगा। ठीक है। सर वो मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगने आया हूं। अच्छा है तुम यहां आ गए। चलो चलो हमारे साथ। हाँ।
एक वैम्पायर? नेहा का शिल्पा के लिए एक बहुत बड़ी पहेली साबित हो रही है। ये जो कलर तुम देख रहे हो वो स्टैटिस्टिक्स है। हर एक पॉइंट का अलग अलग कलर है, जैसा कि तुम देख सकते हो। ठीक है, तुम 3 महीने का रोल बैक बनाओ। तुम समझ गए ना? जी। ओके। मुझे वो यहाँ चाहिए, समझे? चलो। थैंक यू। लाओ मुझे दे दो। अरे कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू अमन, तुम हमेशा मेरी मदद करते हो। थैंक यू। हाय नेहा, कैसी है? हाँ मुझे मालूम है, मुझे और सुराग ढूंढने चाहिए। उन्हें ढूंढ के रहूंगा। मेरी वजह से मैंने कहा ना कि मैं ढूंढ लूंगा। कुछ नहीं बॉस। मुझे माफ कीजिए बॉस, मैं आजकल थोड़ा बिजी हूं ना। तुम इतना घबराए हुए क्यों दिख रहे हो? ये केस थोड़ा डरावना है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, जब हम अकेले हो तो मुझे बॉस मत बुलाना। चलो बोलकर बुलाओ ना। कोई बात नहीं बॉस, मैं कुछ और कर लूंगा रिलैक्स होने के लिए। ठीक है, पर मुझे अभी टॉयलेट जाना है। ओके बाय। कितनी बार समझाया है। क्या तुम मेरा गेम लेवल बढ़ा सकते हो? ओके। मेरे कॉइंस मत चुराना। ओके, सी यू अगेन। मिलते हैं। मैं अभी निकल रही हूं। हाय शिल्पा, कैसी हो? तुम नए ऑफिस के लोगों से बात करने लगी हो? हाँ, बनी रहो। नेहा सुनो। हाँ? अंदर टिश्यू पेपर है क्या? हाँ है। ये लो।
देखो मुझे, कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे। शिल्पा, शिल्पा रुक जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं, प्लीज इसे जाने दो, ओके? अगर तुम पास आई तो इसे मार दूंगी। नेहा, अपना हथियार फेंक दो। ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फेंक दो वरना इसकी जान जाएगी। सर, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमें सारा डाटा तो मिल चुका है। आना जरूरी था, तो मैं अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है मुझे। मैंने कहा हथियार फेंको। अगर तुम्हें मेरे स्टाइल से कोई प्रॉब्लम है तो तुम वापस भी जा सकती हो। कहो तो आगे छोड़ दूं। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। वैसे उसके अलावा इतने अच्छे पुलिस पार्टनर को छोड़ के मैं अपने बोरिंग ऑफिस वापस नहीं जाना चाहती। पार्टनर? मेरा मजाक उड़ा रही हो? आई एम सॉरी सीनियर। अरे कोई तो गिरा, जाके चेक करो। हे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? उठो जरा, तुम ठीक हो? हे, क्या हुआ? उठो, तुम ठीक तो हो? सूजन, एक काम करो, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। हे, तुम ठीक हो? हेलो हॉस्पिटल, एक जख्मी औरत गिरी है। हाँ, यहाँ पास में ही रोड पे। शिल्पा, मैं उसके साथ ही हूँ। ये सब हुआ कैसे? हाँ, एम्बुलेंस चाहिए। मुझे लगता है ये केस मिसिंग केस से ताल्लुक रखता है ना सर? मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ क्रिमिनल ने इसे जान से मारने की कोशिश की है। अच्छा, फिलहाल तुम यहां से बाहर जाओ, मैं इस पे नजर रखूंगा। ठीक है।
अरे तुम उठो। देख क्या रहे हो, जाओ किसी को मदद के लिए बुलाओ, जाओ। जी जी नर्स। हे क्या हुआ सर इसे? क्या कोई प्रॉब्लम है? रास्ता भूल गए हो? का खून मुझे पता था तुम्हारे जैसी लालची वैम्पायर यही होगी। मैं तुम्हारे घर गई थी और देखा कि तुमने क्या किया है। मुझे मालूम था कि तुमने उस बच्ची के साथ क्या किया। वो तो सिर्फ एक खाना था। मैंने तुम्हें बचा के बहुत बड़ी गलती की। तुम ज्यादा ही बोलते हो। Ah!
मैं उसे मारने ही वाली थी, तो तुमने मुझे रोका क्यों? मुझे लगा था वो एक अच्छे इंसान है। अक्सर जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, पर मेरे लिए तुम बहुत अच्छे इंसान हो। हम सही गलत को कैसे परखते हैं मुझे नहीं मालूम। सब नेहा की इज्जत करते थे और उसे अच्छा समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक शैतान छिपा हुआ था, ये किसी को नहीं पता था। तुम लोग घर नहीं जाओगे क्या? जगह तो बैठने दो, मैं भी सुनता हूँ। तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? लेकिन अक्सर जिन्हें हम गलत समझते हैं उनके अंदर भी अच्छाई छुपी होती है। हेलो हेलो हेलो, ये तुम्हारा फेवरेट है ना, तुम्हें चाहिए ना, ये खाओगे ना, ये लो। मुझे माफ कर दो कबीर, मुझे अपना काम करना होगा। आज मैंने ये जाना कि ना तो मैं अच्छा हूं और ना ही बुरा, ना मुझ में उलझन है और ना ही मैं सुलझा हुआ हूं। इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं शिल्पा के साथ खड़ा। You.